किस नंबर मिले? 217। फिजिकल कितने का बना सर? 85। 85 का फिजिकल बना। हाँ, ओवरऑल की बात करें तो 155। विन 155। और कैटेगरी? एसटी। एसटी कैटेगरी से 155 का फिजिकल। कहाँ से हैं आप? सीहोर से हूँ सर। सीहोर से। सीहोर साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जैन डिफेंस अकेडमी में। साथियों, आज जो है कि एमपी पुलिस का फिजिकल चल रहा है एरिना ग्राउंड पे, तो कितने का फिजिकल बना है सभी का जानने की कोशिश करेंगे कि कितने का फिजिकल बना है। जय हिंद। जय हिंद सर। अपना नाम बताएं। राजकुमार भैसारे। कितने का फिजिकल बना सर? 75 का। 75 का फिजिकल बना। ओवरऑल की बात करें तो कितने का फिजिकल सर? ओवरऑल मतलब 147 हो रहे सर। 146। यस सर। आज ग्राउंड में कितने बजे एंट्री लिया था सर? हम 6 बजे चले गए थे, 5:30-6 के बीच। यस सर। बीच में क्या देखने को मिला? ग्राउंड कैसा है सर? ग्राउंड तो बहुत शानदार है सर, बस थोड़ा कर्व तेज है सर उसका। कर्व तेज है। यस सर। सर सब ज्यादा कर्व है, सीधा कम है सर, बहुत कम सीधा है। बाकी अगर आपको 120 मीटर तक कर्व ही मिलेगा। अच्छा अच्छा। अगर आपका सीधा पैर सही है तो ठीक है, क्योंकि सीधा ही दौड़ना है। सीधा पैर सही है तो सही टाइमिंग आएगी। अच्छा। अगर सीधा पैर आपका हल्का सा रांग चलता है। सर लॉन्ग जंप का सबसे ज्यादा भैया का है। अच्छा। हाँ, कितना का है आपका जंप? आपका नाम बताएं। मेरा 27 नंबर है लॉन्ग जंप में। 27 नंबर है। कितना लॉन्ग जंप है मेरा? 5.33। 5.33 का है। और रनिंग कितने के लगा? रनिंग मेरा 33 नंबर मिले। 217। फिजिकल कितने का बना सर? 85। 85 का फिजिकल बना। हाँ। ओवरऑल की बात करें तो 155। विन 155। और कैटेगरी? एसटी। एसटी कैटेगरी से 155 का फिजिकल। कहाँ से हैं आप? सीहोर से हूँ सर। सीहोर से। सीहोर के पूरे। अच्छा सर, सीओ आपका नाम बताएं। सर प्रद्युमन। 77। 147। जय हिंद। अपना नाम? मेरा नाम वीरेंद्र बिल्डोरिया है। मेरा फिजिकल सीओर से हूँ मैं। मेरा फिजिकल 81 का बना है। ओवरऑल मेरे 81 का बना है और मेरे ओवरऑल 164 हो रहे हैं। 164। हाँ, हो रहे हैं। ओबीसी है। ओबीसी है। हाँ। जैसे क्या लगा आपको ग्राउंड? ग्राउंड ठीक ठाक लगा, कोई दिक्कत नहीं आई। सब कुछ तीनों इवेंट अच्छे से हो गए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अच्छा हो रहा सब कुछ। जय जय। अपना नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। कितने का फिजिकल? मेरा 80 का बना है। 80 का फिजिकल। ओवरऑल की बात? ओवरऑल सर मेरे 152 हो रहे हैं। 72 रिटर्न में। अच्छा, 152। तो ग्राउंड की स्थिति कैसे है? ग्राउंड तो सर भाई जैसे बताया था उसने पहले कि वो कर्व है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। अच्छा, कर्व की जिसने प्रैक्टिस किया होगा उसका। हाँ, सर जिसमें बहुत अच्छा रहेगा जिसने कर्व। जैसे मैंने पहले ट्रायल दिया था टाइमिंग का। हाँ, तो मेरा ट्रायल आया था 2:36। मैंने 10 सेकंड डाउन किए यहाँ पे। 2:26। 2:26 मार गया। हाँ, 36 से 26 से डायरेक्ट आया हूँ। जय हिंद सर। अपना फिजिकल का नंबर बताए। मेरा फिजिकल का नंबर 72 नंबर है सर, और टोटल हो रहे हैं 142। और एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी जी। नाम बताया? देव कुमार नाम। कहाँ से हैं? सीहोर जिले से। सीहोर से। आज सभी का सीहोर जिले वाले का ही था। सीहोर जिले वाले हैं पूरे। सीहोर से। थोड़ा सा आप 85 नंबर है तो थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे आपसे। हाँ सर। कि सबसे पहले आपने एंट्री कितनी बजे किया सर? एंट्री 6 बजे के करीब लिया था हमने। 6 बजे एंटर हो गए। और उसके बाद देर से आपको दौड़ा दी? एंट्री लिए, उसके बाद हमें को बिठा के रखा वहाँ पे। उसके बाद मतलब काफी फाइलें छोड़ा उन्होंने। लगभग 4-5 फाइल के बाद हमारा नंबर आया था, तो हमारी 12वीं फाइल थी। हाँ, तो उसके बाद लगभग 6:30 बजे हम आ गए थे ट्रैक पे। तो 6:30 से मतलब 6:40 तक रनिंग हमारी शुरू हो गई थी। हाँ, 6:40 से 6:45 पूरा कंप्लीट। हाँ, तीनों कंप्लीट हो गए। तो रनिंग के बाद सीधे फिर हमें वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया गया। वहाँ पे सारा PDF वगैरह सब डॉक्यूमेंट जो भी है सब उन्होंने कर लिया, स्कैन वगैरह। और उसके बाद उन्होंने फिर शॉर्ट पुट के लिए ले गए। हाँ, शॉर्ट पुट के बाद फिर लॉन्ग जंप के लिए। हाँ, तो कैसे क्या स्टाफ है? सर स्टाफ तो बढ़िया है, सपोर्टिव है, पूरा बहुत सपोर्टिव है। जो बोलते हैं सब कुछ सुनते हैं। सर जैसा बोल देंगे कि ये करना है वो सब चीजें सुनेंगे। अच्छा, किसी को डॉक्यूमेंट की जो समस्या आ रही है तो डॉक्यूमेंट को लेके कुछ नहीं? सर आज तो कुछ भी नहीं सुना। आज ऐसा नहीं सुना कि कोई बाहर हुआ है डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो जैसे कि रोजगार एक्सपायर हो गया हो ना जिसका, और नया बनवाया हो और उस समय फॉर्म डालते समय वैलिड था, तो वो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मूल निवासी का बोल रहे हैं कि डिजिटल वाला हो तो वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और पुराना हो तो पुराना भी लेकर आए। हाँ, तो मैंने क्या पिता का लगाया था उस समय, पिता का ले गया मेरा और मेरा खुद का भी ले गया, दोनों का ले गया। हाँ, वो सीएम हेल्पलाइन से बनवाया था मैंने। अच्छा, क्या डिजिटल वाला भी था और अपने पापा हाँ, का भी पापा था, का भी था, तो दोनों लेके गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं? हाँ। अच्छा, और कोई किसी डॉक्यूमेंट में कोई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट्स में भी। जो वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे साथी जो देखेंगे, या फिर जो जिनका फिजिकल बाकी है, जिनका फिजिकल एरिना में होना बाकी है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि टाइमिंग तो खैर कोई अंतर नहीं आया मेरा। 218 आती थी, 217 आ जाई मेरी।
उसके बाद गोला मेरा 27 जाता था 27 नंबर के लिए, पर आज 25 नंबर मिले गोले पे, थोड़ा कम हुआ है। बाकी लॉन्ग जंप मेरा 17 वहां जाता था 17.5 तक, आज मेरा 17 फीट 2 इंच करीब गया होगा। तो लॉन्ग जंप से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग जंप उतना भी कम नहीं हो रहा है जितना बोल रहे कि लॉन्ग जंप बहुत कम हो रहा है। और सर जो नापने की बोल रहे थे ना कि बहुत आगे से नाप रहे पीछे से नाप रहे, जो गड्ढा जैसे अपन पांव गिरा ना वहीं से मेजर कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पीछे से है। हां सर वहीं से मेजर कर रहे हो, फर्स्ट बात तो। और जंप अगर एफर्ट लगाओ ना तो जंप जा रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कम हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि घबरा रहे हैं कि जंप कम जा रहा है, ऐसा क्या एक आवाज फैला दी है। हां सर हां बोलता है ना तो फाउल नहीं होगा यहाँ पर, नहीं होगा हमारी फाइल में किसी का भी फाउल नहीं, किसी का फाउल नहीं हुआ, एक भी फाउल नहीं। पूरा क्या है कि ऐसा माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया है। हाँ, हाँ। कि जंप नहीं जा रहा है, यहाँ से नाप रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा हेजिटेशन है, घबराहट के कारण जंप नहीं। हाँ, वही घबराहट सबसे बड़ा कारण वही है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। प्लीज साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।